तो आपकी बॉडी है बेस्ट बनेगी, आपकी चेस्ट है बेस्ट बनेगी। हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट, जो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जो चेस्ट वर्कआउट मैं अपने देसी जिम के अंदर देसी इक्विपमेंट से, जो इक्विपमेंट आप खुद बना सकते हो, उन्हीं से मैं अपना चेस्ट वर्कआउट करके दिखाने वाला हूँ आपको। जो जो मैं सेट लगाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आपको कैसे करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, वो सारी बातें आपको क्लियरली बताऊंगा। तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और जिन्होंने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो फॉलो कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब और फॉलो कर लोगे तो जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी। तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के साथ और हम करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्कआउट और सबसे इम्पोर्टेंट वर्कआउट है हमारा पुशअप। पुशअप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुशअप से हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है, हमारा वार्म अप भी होता है, क्योंकि उनसे हमारी जो बॉडी में ओडी के अंदर इंजरी होती है, हमारे ओडी में नुकसान होता है, वो नहीं होंगे। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुशअप तो आप हर कहीं लगा सकते हो, तो एकदम आसान तरीका है। तो मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर पुशअप। तो हमको चेस्ट वर्कआउट के लिए थोड़े से हाथ है चौड़े रखने हैं, ऐसे जैसे हम बेंच प्रेस पर लगाते हैं सेट, वैसे ही। ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। तो मैंने 15 पुशअप लगाए हैं। आपको क्या करना है कि कम से कम 3 से 4 सेट लगाने हैं, उसके अंदर 15 से 20 पुशअप होने चाहिए, ताकि आपका वार्म अप बेस्ट हो सके और आपके पुशअप इंक्रीज हो सके धीरे धीरे। क्योंकि आप ज़्यादा पुशअप लगाओगे उतने ही आपका स्टेमिना ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी चेस्ट है बेस्ट बनेगी। तो अगला वर्कआउट है हमारा बेंच प्रेस पे, तो कंटिन्यू बने रहिए और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसके अंदर वेट डाल रखा है 42 kg, ठीक है ना। तो ये मैंने एकदम देसी तरीके से बना रखी, इसको बनाने का जो तरीका है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अब हम लगाते हैं बेंच प्रेस, हमारी देसी बेंच प्रेस है, बेस्ट सिस्टम है। तो मैं लगाऊंगा अभी 15 रैप इसके, ठीक है ना, आपको भी ऐसा ही करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी इसके 15 रेपिटेशन लगाए फर्स्ट सेट के अंदर, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर सेकंड सेट के अंदर वेट बढ़ाना है और फिर लगाने कम से कम 12 से 15, फिर वेट बढ़ाना है, फिर आपको लगाना है 10 से 12, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी है बेस्ट बनेगी, आपकी चेस्ट है बेस्ट बनेगी। मैंने भी अपने घर पे ही ये चेस्ट बनाई है, तो आपको कैसी लग रही मेरी चेस्ट एक बार कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। तो आपको भी ऐसी चेस्ट चाहिए, ऐसी बनानी अपने घर पर बिना जिम जाए, अपने देसी जिम से, तो ये वर्कआउट ज़रूर करना। तो अगला वर्कआउट रहेगा हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस पे, जिसमें हमने वेट डाल रखा है थोड़ा ज़्यादा, तो वेट करने वाला हूँ मैं कम, क्योंकि वेट कम करना भी ज़रूरी है, ज़्यादा वेट से फर्स्ट सेट नहीं लगाते। वेट उतना ही होना चाहिए जिससे हम अपना वर्कआउट है वो परफेक्ट कर सके, हमें कोई प्रकार का नुकसान ना हो और अच्छा वर्कआउट हम परफॉर्मेंस कर सके। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और अच्छे से वर्कआउट करना है। तो हमारा तो देसी जुगाड़ है, देसी सिस्टम है, तो हम तो चीज़ें तुरंत चेंज करते रहते हैं वर्कआउट के टाइम में। तो अब हम लगाते हैं, मैं इसके 10 रैप ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा रैप लगाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो बस आपको उस चीज़ें समझानी है। तो ये सिस्टम भी आप अपने घर पे बना सकते हो। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस में चेस्ट वर्कआउट। तो आप सबको कैसा लग रहा है देसी जिम अपना और देसी इक्विपमेंट, देसी वर्कआउट? तो ये तो हो गया हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस में चेस्ट वर्कआउट। तो कैसा लगा आपको अपना चेस्ट वर्कआउट जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ? तो आपको भी ये वर्कआउट करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बदलाव मिलेगा। अब हम करने वाले डंबल से चेस्ट वर्कआउट।
तो अब मैं आपको डंबल से दो तरह के चेस्ट वर्कआउट करके दिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि वर्कआउट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वर्कआउट को समझोगे तभी आप एकदम अच्छा वर्कआउट कर पाओगे और एक अच्छी बॉडी बना पाओगे। मैं भी शुरू शुरू में नहीं समझ पाता था कि हाँ ऐसे कर लेंगे तो बॉडी बन जाएगी, भाई ऐसे होता नहीं है। अगर सही तरीके से अच्छे से हम वर्कआउट करेंगे तभी हमारी बॉडी अच्छी बनेगी। तो देखिए आप हमारा डंबल का वर्कआउट, पहले तो हम ऐसे रखेंगे डंबल और ऐसे वर्कआउट करेंगे, ऊपर ले जाके चेस्ट को एकदम अच्छे से खींचेंगे, ऐसे ऐसे, ये। तो एक तो हमारा ये हो गया, अब हम हाथों को ऐसे घुमाएंगे, हमारा दूसरा सेट ऐसे रहेगा, ये। तो मैंने आपको दो तरीके से डंबल से चेस्ट वर्कआउट करके दिखाया, हमारे कम से कम एक दो तीन चार, दो डंबल के दो टेबल के, तो चार सेट हमारे चेस्ट वर्कआउट के हो चुके हैं। चारों के आपको कम से कम तीन से चार चार रेपिटेशन में आपको वर्कआउट करना है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला चेस्ट वर्कआउट। और भी काफ़ी इक्विपमेंट है मेरे पास, तो अगले वीडियो के अंदर चेस्ट वर्कआउट का जो हम बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपने जो चेस्ट वर्कआउट है देसी जिम में देसी तरीके से जो भी मैंने आपको बताया है, तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने अब तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन भाइयों की मदद हो सके जिनको अपने देसी जिम की अपने घर पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है।